नर्वस हूँ, एक्साइटेड तो पता नहीं, लेकिन जब इतनी बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक शो में जाता है, तो थोड़ा बहुत आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आई होप लोगों को पसंद आए। बात करना चाहूँगा, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना कुछ मालूम है इसके बारे में। हाँ, ज़िंदगी भर ये देखते रहे हैं कि कोई अच्छा सीन आता है तो उसको बार बार देखने की इच्छा होती है, एंड शेयर करूँगा पहली बार इन टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ। थोड़ा बहुत होता है कि सक्सेस होना चाहिए शो के बारे में, मेरे बारे में हो या ना हो वो नहीं इम्पॉर्टेंट, पर शो में सक्सेस मिलनी चाहिए। वो समय निकल गया, उसके बारे में कोई मायना नहीं है उसके बारे में बात करना। सीधा क्लास पढ़ाने भाई, इसे कहते हैं प्रोफेसर, क्या बात है। अपने फर्ज से आदमी को नहीं हिलना चाहिए। मेरा काम है पढ़ाई का, पढ़ाने का, वो मैं पहले करूंगा क्रिकेट के बारे में, उसके बाद आप पे आता हूँ, ठीक है। जी जी, वेलकम एवरीवन। यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी विद मी? जोर से बोलो। हाँ, जगराता चल रहा है ना, जय माता दी। अच्छा चलिए, आपसे मैं पढ़ाई की बात करूँ। हेलो हेलो सर, कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करना होता टीचर को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग है। अच्छा चलिए, क्रिकेट की पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, ओके। देखिए ये आप ध्यान से देखिए, पहले आपको दिखाई दे रहा है? जी सर। ये है बी फॉर बैट। पर सर ये तो बॉल है। खड़ी हो जाओ। आउट आउट, अपने टीचर से छुपा लाती हो। हाँ तो इसे कहते हैं बी फॉर बॉल। लेकिन सर उस लड़की ने भी तो यही कहा था, फिर भी आपने उसे निकाल दिया। समझदार बनना चाहिए। आउट आउट, खड़ा हो जाओ। आउट आउट, क्लास खत्म। चलिए आप भी चलिए, या तो कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक तू। चलो वहां बन के मुर्गा बनो, पनीर बनो, सॉरी पनीर बनो तुम। लेकिन सर मुर्गा बनते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को अभी याद आया। ठीक है, मैं यहाँ जाने के लिए कह रहा हूँ, तू वहाँ जा रहा है। अच्छा एग्जिट तेरी उधर है। ओह बहुत ज़्यादा पढ़ा पढ़ा के ना मेरा। ये किधर देख रहे हैं आप भाई साहब? इनकी आँखों में डेले नहीं है, वो काले काले वाले ना। हेलो हेलो प्रोफेसर LBW, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा जी, कितना मतलब बड़ा, कितना कितना बड़ा? सर मेरे ख्याल से क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इतना इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ रिस्पेक्टेड प्रोफेसर LBW जी, एंड आई एम हियर टू मीट यू, एंड काफ़ी अरसे में हम लोग मिलते रहे हैं, पर बहुत अरसे बाद आज काम की बात करेंगे पहली बारी। सो हाँ जी, सो मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, और समीर जी आप जी, कैसे? सॉरी समीर जी नहीं, समीर जियो, क्यों जी नहीं कहूँगा, किसी और का प्रमोशन क्यों कर रहा है? बात तो सही है, बात सही है, जब जियो पे आ रहा प्रोग्राम तो वेल डन, ग्रेट ग्रेट सर, अलोंग विद द इंटेलिजेंट माइंड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल फॉर प्रोफेसर LBW सर। पर ये अकेडमी, ये क्रिकेट से प्यार, ये लव, ये इमोशन, नाम ही LBW, कहाँ से शुरुआत हुई? हमारे खानदान में ही क्रिकेट चलता रहा। अच्छा अच्छा, खानदान से ही है। मेरे फादर ने 1947 के मैच में अपनी जान दी थी। मतलब जान जान क्यों दी थी सर? गली में खेल रहे थे जी, नदी में बॉल गई जी, नदी में बॉल गई तो वो फिर मगरमच्छ ने कैच कर ली। मगरमच्छ का क्या, बॉल पकड़ के ना दोबारा क्रिकेटर की तरह से उछालते नहीं है, तो फिर वो चले गए। मेरे दादाजी, उनको तो क्रिकेट से बहुत प्यार था। अच्छा हाँ, क्रिकेट के पीछे पागल थे वो। ओके ओके, वो चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं। अच्छा चाहते थे ऐसा, हाँ, तो क्यों नहीं बने फिर आप? वो प्यार तो उनको हेमा मालिनी से भी था, इसका मतलब ये तो नहीं मैं धर्मेंद्र बन जाऊं। हाँ, बात तो सही है। हाँ, बात सही है सर। तो उनके पागल आदमी थे, पागल थे वो, उनको अकल नहीं थी। जी जी जी, उनकी बात क्यों सुननी? कपिल जी, कपिल जी, आज नहीं, आज नहीं, आज तो मैं आपसे सॉरी बोल के रहूंगा। ठीक है कपिल जी, गुड टू सी यू सर, ग्रेट टू सी यू कपिल पाजी, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। जोरदार ताली बारी फिर से कपिल देव के लिए यार। सर प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन सर, आइए बैठिए बैठिए। कपिल जी मुझे आपसे सॉरी बोलनी है।
आपने जो 1983 का हमारे इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लेके आए उसके लिए पहले बहुत बहुत थैंक यू, बट जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने एक पारी खेली थी 175 रन मारे थे आपने, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली कभी, वीडियो रिकॉर्डिंग। आई वॉन्ट टू कन्फेस उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा था, मैं कैमरे पे था, मैं बटन स्विच ऑन करना भूल गया था, आई एम सॉरी मेरे को, लेकिन मेरी आंखों में याद है, मेरे को अच्छे से याद है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, अब याद है तो बताइए फिर। वो दूसरी बातें करते हैं, आइए बैठिए। ओके, जैसे आप बोलो। आइए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा पास रहते हैं आप, ये कपिल सर यहाँ पर आ जाइए पास में। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, कंफर्टेबल है, इस पे आप अल्टीमेट स्टूल टेस्ट दे सकते जा सकते आप। हाँ जी, ये घर नहीं लेके जा सकते आप। हाँ, तो घर तो यहाँ लेके आ सकते हैं। हाँ, घर ला सकते सर, अगले दो महीनों के लिए घर यही रहेगा। ये मेरा इतना नीचे क्यों रखा हुआ है सर, आप ग्राउंडेड हैं। ओ, शिफ्ट हो जाता है। हाँ जी, शिफ्ट हो जाता है सर। अच्छा, नीचे लीवर लगा हुआ है जी, आपका वेट ज्यादा है ना तो ऊपर नीचे। इस पे आपको सर स्टूल टेस्ट देना पड़ेगा अल्टीमेट जी। Not literally. Sir, great to have you on the show. बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आप यहाँ पर आए हैं। Tell us your expectations, sir. पहले टूर्नामेंट की बात करते हैं, 11वां सीजन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग टूर्नामेंट का, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? How excited are you? पहले तो नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर, बहुत कम मौका मिलता है ऐसी जगह पर, ऐसी स्टेज पर आकर, लेकिन अच्छा लगा। और प्रोफेसर साहब के साथ थोड़ा बहुत क्रिकेट की नॉलेज जब कम होती है तो कुछ लोगों के साथ मिलजुल कर अगर और मिल जाए करेक्ट तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे 11वां साल है, बड़ा अच्छा लगा। सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जो हर सीज़न एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि नए युवा जो हैं वो आ रहे हैं और किस तरह का टैलेंट लेके आ रहे हैं, बस ये आंखों में। जो कर चुके हैं उनका सबको मालूम है, लेकिन जो नए लड़के हैं क्या उनमें वो स्पार्क है, क्या उनमें वो जोश है, क्या उनमें वो एबिलिटी है, बस यही देख। ग्रेट 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 आंसर, वंडरफुल आंसर सर। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप इनसे? और कोई सवाल है जो आप पूछना चाहेंगे? आज के लिए इतना ही छोड़ दो काफी। मेरे हिसाब से अगर आप पूछें भी क्रिकेट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, क्या जरूरी चीज है? बॉल, ये बॉल 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 चाहिए आपको? बॉल बहुत जरूरी, बॉल इज सेकेंडरी सेकेंडरी, लेकिन ये बॉल किसी काम की नहीं। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ग्रेविटी। ओके, बिना ग्रेविटी के तो बॉल किसी काम की नहीं है ना। आदमी ने ऐसे शॉट मारा, बॉल ऊपर ही जाएगी, नीचे ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ हाथ जी, किस काम का फिर? सारा नहीं नहीं, ग्रेविटी सारा सेटअप फेल है फिर तो ना, जब बॉल नीचे नहीं आई तो है ना। तो सबसे जरूरी है ग्रेविटी। और वो एप्पल वाली बात, जो एप्पल जो गिरा था पेड़ से, वो ग्रेविटी वाली बात। इसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेविटी का, जिसने खोज की थी हरीश ने, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। हरीश ने अपनी खोज की थी ग्रेविटी की। अच्छा, हरीश ने की थी? हाँ क्या? हाँ जी, लोग कहते हैं कि न्यूटन ने की थी जी, न्यूटन बाद में आया था वो। Okay. उसका क्रेडिट ले गया, खोज हरीश ने की थी। हरीश अपना लड़का था इधर का, अपना इधर गाजियाबाद साइड का, वो गया था बैंगलोर, हाँ बैंगलोर साइड घूमने गया हुआ था। तो वहाँ पेड़ के नीचे बैठा था, नारियल के पेड़ के नीचे, ऊपर से ना नारियल गिरा उसके ऊपर। तो नारियल गिरा, ग्रेविटी की खोज तो उसने कर ली, लेकिन वो बताने लग रहा नहीं, क्योंकि नारियल था भारी। अच्छा, फिर न्यूटन के सिर पे वो सेब गिरा, क्रेडिट वो ले गया। अच्छा, वो बची गया सेब, मतलब लाइट। हिडन जेम हरीश कहाँ है आजकल? हरीश अपना कुछ नई खोज कर रहा होगा। अच्छा, हाँ जी, खोजी है वो, खोजी है। बुलाएगा शो पे अगर फ्री होंगे हरीश, कहीं नहीं चाहते और। गॉड, इन दोनों को देखो। Who will leave no stone unturned when they go and cover these matches for us? Their names are Duckworth and Lewis. Here they are. Yes, come in. अरे रोटी में अखबार को लपेट के देता है, हमने अखबार को रोटी समझ के खा लिया सर, एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगी। ब्रेक द फोन। This man is rubbish. This is totally crap. This man is rubbish and he is dhakka. Thank you very much. He, you are dhakka. Dhakka charges नहीं खेल रहा है मैच, चेन्नई और मुंबई के बीच में है यार। तो हमारा मोन मोबाइल उठाइए, सेव दिए समय से, because this man we are not enter into the ground, they become kakappa and beat us in the back. How can you command this from here? But what is the ticket of the match? But one second, you're supposed to be our eyes and ears. ये कहाँ पे बैठे हैं आप लोग? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? You can see because of this man. We're asking where is the ticket? अरे वो मैच का टिकट था।
अरे हम बाल मारी में फिकर बैठे हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं यार, इलेक्शन 2019 का. How can you give this job, man? This man is totally wrong. He is mental man. Yeah. He is not working anything work so far. Thank you. सोफा या सोफा बहुत अच्छा होता है. देखिए क्या है ना, सोफा के साथ पूरा सेट होना चाहिए. मान लो चार आदमी आके दो आदमी खड़े रहे तो कैसा अच्छा लगेगा. सोफा सो सही और सोलो रुक जा, मैं एक सोलो लेना फिर तू कर. मैम किशन पीछे हो, किशन पीछे हो. सीख रही हूँ क्रिकेट और क्या बताऊँ. ऑब्वियसली आफ्टर बिग बॉस हमेशा मैंने सोचा है कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है और कॉमेडी करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो लोगों को हंसाना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला लोगों को हंसाने का, यू नो, थ्रू प्रीति नीति. ऑब्वियसली आई एम वेरी टैलेंटेड और बाकी सारे सारे आर्टिस्ट के बारे में मैं क्या कहूँ. जैसे सुनील जी के बारे में तो मतलब शब्द ही नहीं है. देन अली जी और ऑलवेज ऑलवेज आई थिंक मेरा एक मौका रह गया था उनके साथ काम करने का. आज मुझे मेरा मौका पूरा हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्पेशली कर रही हूं. मैं भूल गई बोलना, लेकिन मैं क्या बताऊँ, एक्चुअली अगेन शब्द ही नहीं है कि मुझे पहले यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उनसे मिलूँगी और उनके साथ हम स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे. बहुत चैलेंजिंग फॉर यू नो, इससे ज़्यादा क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं ना. चीज़ें हैं और इस तरह के जो लोग हैं, जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे रियली गुड ह्यूमन बींग, उनसे ये सब कुछ दूर होना चाहिए. ये सब बेकार की चीज़ें हैं और आई विश बहुत जल्दी सब ख़त्म हो जाएगा. आने वाले दिनों में शिल्पा क्रिकेट और कॉमेडी वही है, वही मेरे सारे शिल्पियंस जो है स्पेशली मैं उनके लिए ये कर रही हूँ कि मैं उन्हें हंसा सकूँ और जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है. तो यही है, क्रिकेट लोगों को बहुत पसंद है. मतलब आफ्टर बिग बॉस 2020 आईपीएल करना मतलब बहुत बड़ी बात है और मुझे अच्छा लग रहा है. बहुत मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है. अच्छा यार, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने मुझे. मैं तो सिर्फ नकली करता हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझे क्या बताओ, लड़कियों को जाके बताओ ये. हाँ, मैं ये नया शो है जिसके अंदर क्रिकेट और कॉमेडी को आपस में मिलाया गया है और कोशिश है कि क्रिकेट की जानकारी के साथ साथ जो मैचेस की जानकारी है उसके साथ साथ लोगों को हंसाया भी जाए, तो एक अपने आप में नया एक अनुभव होगा ऑडियंस के लिए. कितनी जानकारी बटोरी है आपने अब तक क्रिकेट की? मैंने कोई जानकारी नहीं बटोरी है अभी तक. जितनी आपको है, जितनी नॉर्मल हम लोग सब क्रिकेट फैंस हैं, इंडिया में तो बहुत पॉपुलर गेम है, तो हम लोग सब लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, तो उस गेम के साथ एक क्रिकेट को इन्वॉल्व, कॉमेडी को इन्वॉल्व करके कोशिश है कि लोगों को हंसाएं. एक मिनट, दोनों में से डिसाइड करो किसको पूछना है. हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें बचपन में? किस तरह बचपन में तो सबकी वही मेमोरी है. मेरी मेमोरी के बारे में कैच कर रहा था तो मेरी ऐसे दांत टूटा था, तो ये अभी भी ऐसा टेढ़ा है थोड़ा सा. और मैं डबवाली में रहता था, छोटे नाली में बहुत चली जाती थी. अब थोड़ा सा मुश्किल लगता था ना, पर वहाँ से उठा लेते थे ऐसे एक दम से, वापस फेंकते थे बॉल, छीटने बीटे पड़ते थे वो अलग तरह, बट्टा बॉल मारते थे, वन टिप वन एंड होता था. आप लोग खेले हो कभी? तो वो
अच्छा बड़ा साइंस में नॉलेज है आपको, है तो आपका प्लेटफॉर्म काफी बड़ा हो गया और टेलीविजन पर कपिल शर्मा का शो भी चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कंपटीशन होगा कुछ शो के? तो कंपटीशन की कोई बात नहीं, जितने ज्यादा लोग हम लोग मिलके लोगों को हंसाएंगे उतनी ज्यादा लोगों की टेंशन कम होगी। बहुत जरूरत है इस देश को हंसी की, जितना ज्यादा हंसेंगे उतना अच्छा है, सेहतमंद चीज है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ प्रोफेसर एल्बर्ट लौंडा बठिंडे वाला। हाँ जी, ईश्वर बहुत सुखद अनुभव रहा है, हमने अपना भी काम किया है और कपिल बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत लोगों को हंसाते हैं और मैं उनकी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह हंसाते रहें और ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर हम लोग इकट्ठे काम करेंगे कभी ना कभी। आपने बागी टू देखी, आप भी पहले बागी का हिस्सा थे। हाँ जी, मैं कैसे देखूँ ना, मैं हूँ ही नहीं ना उसमें। नहीं नहीं, मेरे टाइगर श्रॉफ मैंने उनके साथ काम किया है और मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं, बहुत ही सुखद अनुभव रहा है मेरा उनके साथ काम करने का। बागी टू मैं अभी देख नहीं पाया हूँ, मैं आज या कल में ही जाऊँगा देखने के लिए और बहुत अच्छा कर रही है फिल्म। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बागी मेकर्स को और बागी टू के सारे एक्टर्स को। मेरी सिद्धार्थ कोई बात नहीं हुई है मेरी, पर मुझे पता है कि अभी भी ठीक है, अच्छी हालत में, इन द सेंस काफ़ी रूमर्स उड़ रहे थे उनके बारे में, बट सर वो जैसा आपने झलक तो देख ही लिया, दिस इज जियो धनाधन लाइफ एंड मैं ये इजाबेला है, अनाबेला है, मतलब सुगंधा है, हाँ मैं ये सॉरी बेला बाला एंड हम अभी सिंपल बात करते हैं बहुत छोटे में बात करनी चाहती और बहुत लंबे हो जाते हम लोग चीयर लीडर्स है, हम लोग यहाँ पर नहीं है, हम लोग बहुत दूर रशिया से रशियापुर से आए हैं। रशियापुर पता है, नियर फिरोजपुर, वहाँ से आए हैं और हम लोग यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, रोजी रोटी के लिए आए हैं एंड वी गॉट चीयर्स करेगा बिकॉज रोज शाम को वहाँ अकेला चीयर्स करते थे, यहाँ सबके साथ चीयर्स करेगा एंड इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो ही नहीं सकता। यू नो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये जहाँ क्रिकेट का पहली बार मिश्रण हो रहा है ह्यूमर के साथ and there will be bade bade diggaj log on this platform. We just met the legend Kapil Dev sir and aur ek aur koi tha professor Ajib sir, I don't know his name, LBW LBW yeah. What does LBW mean? मुझे आइसक्रीम ज़्यादा लग रही है माइक का, अब बहुत सारे किरदार हैं, न्यू कैरेक्टर्स और सबसे पहले इस बार मैं बॉय बी कैरेक्टर प्ले करूँगी, मतलब जैसे क्रिकेटर्स हैं तो मैं भी मेल क्रिकेटर्स बनी हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि लड़का बनके कैसा लगता है, लड़की बनके तो देख लिया इन्होंने, बहुत चाहता हूँ लड़का बन के देखा, ये भी लड़का बने हैं, लड़का के लड़का के रोल करूँ कर रहा है, आप मुझे एज लड़का भी लड़का हूँ और मेल कैरेक्टर में भी देखेंगे और हम दोनों एक अलग का कैरेक्टर पे भी काम करें उस पर वो भी आप बहुत जल्दी देखेंगे। लेकिन हर बार अली गर्ल्स के किरदार में नज़र आते हैं, इससे कुछ स्पेशल नहीं बोलते कि मेरे पास ऑफर आता है तो मैं बोलता नहीं है कि मेरे को लड़की बनाओ, वो जो कैरेक्टर देते हैं उस कैरेक्टर में अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं ये डेप्थ है
मस्ती है, रूम कितना है आपको, कितना रूम मिलता है ग्रो करने के लिए, कितना आप अलग करने की कोशिश कर सकते नहीं कर सकते, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये नहीं है कि भाई लड़की का रोल है बस वही करो, बिल्कुल नहीं। आप बहुत जल्द, मैं सबको बता दूँ कि बहुत जल्द एज मेल भी आप मुझे देखोगे, बिग स्क्रीन पे भी देखोगे, और ये और थोड़ी देर में अभी आप रुकना, मैं मेकअप निकाल के आपके सामने एज मेल भी आऊँगा। मैं जब घर जाता हूँ तो मर्द बन के जाता हूँ। क्रिकेट की बात करें तो इस बार आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखो अभी ये 11th ईयर है और सब उलट पुलट हो गया बिल्कुल। गौतम गंभीर कोई और टीम के कैप्टन बन गए और वो सारा टीम आगे, बोलते ना KKR के जितने प्लेयर्स थे वो किसी और टीम में चले गए, सनराइजर्स में कोई और है। तो आई थिंक अभी एटलीस्ट 5-6 मैचेस के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसको सपोर्ट करें। डेफिनेटली सारी टीम सी, IPL इज़ अ फेस्टिवल, वो एक होता ना कि घूम फिर के सब हमारे ही है, पर ऐसा डेफिनेटली KKR थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भाई का है तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट करो। फिर बाकी सब उनके परफॉर्मेंसेस अभी नहीं बता सकते आफ्टर 5-6 एपिसोड्स। अली सर, इस शो से जुड़ने का एक रीज़न आप बताएंगे तो कोई खास रीज़न? क्रिकेट, डेफिनेटली क्रिकेट। क्रिकेट इज़ अ रिलीजन है हमारे यहाँ, आप सबको मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये पहली बार ऐसा हो रहा है यू नो कि एक लाइव शो में, एक क्रिकेटिंग फेस्टिवल में ह्यूमर को मिक्स किया जा रहा है। सो पहले ही सीज़न में अगर आप उसका हिस्सा बनते हो तो इससे अच्छी बात क्या है, मतलब आई थिंक वी आर क्वाइट लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आप दोनों ने कपिल शर्मा के साथ काम किया है, कपिल शर्मा का शो भी ऑनर है और ये शो भी अभी बहुत जल्द आने वाला है, तो आपको लगता है कोई कंपटीशन होगा? क्योंकि ये शो जो है वेब प्लेटफॉर्म पे और वेब प्लेटफॉर्म इन दिनों बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको लगता है कोई कंपटीशन होगा शो के बीच में? कंपैरिजन तो लोग करेंगे। नहीं सर, वो ये अलग जोन है ऑल टुगेदर, क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट का कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा इनिंग्स के बीच में आ रहे, वो ऑल टुगेदर एक, वो एक अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, दोनों के प्लेटफॉर्म अलग है, तो मुझे नहीं लगता कंपैरिजन होना चाहिए। यहाँ पर कपिल नहीं है लेकिन कपिल सर हैं यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन, कॉमेडी की बात हो रही है तो सिद्धार्थ जी जो अभी उन्होंने, सिद्धार्थ सागर ने आके एक अपना एक कन्फेशन दिया है, उसके बारे में आपका एक ओपिनियन अगर कुछ? आई एम वेरी सॉरी, मैं आई डोंट नो हिम सो वेल, मैं आई हैव हार्डली वर्क विद हिम, मैं उनको मतलब ऐसा मिला भी नहीं हूँ ज़्यादा, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन हिम, आई डोंट नो हिम, मैं उनको अच्छी तरह से जानता ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं उसके बारे में। मैंने सिद्धार्थ के साथ काम किया है और काफ़ी शोज, मतलब आई थिंक उसका फर्स्ट शो छोटे मियाँ बड़े मियाँ से हमने स्टार्ट किया था और मेरे पार्टनर काफ़ी बार बने हैं वो, एंड इनफैक्ट कॉमेडी क्लासेस एंड बहुत सारे शोज में सिद्धार्थ इज़ अ वेरी गुड बॉय और बहुत ही फन लविंग एंड ही इज़ क्रेजी, मतलब कॉमेडी जैसे हम लोग पागलपन करते हैं वो भी बहुत पागलपन करता है। और अभी आई एम वेरी वेरी सैड, मैंने ट्राई भी किया था उससे बात करने के लिए बट उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज था, बट आई रियली विश हिम गुड हेल्थ और बहुत जल्दी ही विल बी बैक इन द फॉर्म। नहीं, आई रियली डोंट नो ऑनेस्टली बिकॉज नहीं, मुझे सच में इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, बट क्योंकि हमने जब जब साथ में काम किया है तब तक ही ज़्यादातर हम इंटरेक्ट कर पाते थे, उसके बाद तो अपने अपने काम में सब बिजी हो जा रहे थे, तो पर्सनली मुझे कुछ मालूम नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर दैट ही विल बी बैक इन द फॉर्म। सर दिल से दुआ है, मैं जितनी दुआएं करेंगे सलमान भाई के लिए वो कम है, एंड बस ये दुआ है कि वो सारी परेशानियों से, आफतों से, मुसीबतों से उनको निजात मिले, और बड़े दिल वाला है यार वो, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा, स्वैग से रहे। एंड वन लास्ट थिंग, हम एज एन एक्टर स्पेशली थैंक्स करना चाहेंगे हमारे क्रिएटिव्स को, प्रीति नीति को, जिन्होंने इतना अच्छा बड़ा इनिशिएटिव लिया, हमें मौका दिया इसका पार्ट बनने के लिए, और क्योंकि हम लोग एक फैमिली हो चुके हैं सो इतना फेथ है, इतना ट्रस्ट है कि उनकी जजमेंट इतनी अच्छी है और वो इतना अच्छे से सब चीज़ें क्रिएटिवली इतने हाई लेवल पर ले जाती हैं, सो एकदम रियली थैंक्स टू बोथ ऑफ देम।